सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर नेक्स्ट वीडियो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्काइंस के बारे में। हमने पहले लेक्चर में अल्किन्स को देख लिया था, सेकेंड लेक्चर में अल्कीन्स को देख लिया, और आज हम देखने वाले हैं अल्काइंस के बारे में। ये जो हमारी जो सीरीज चल रही है बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेंगी, और आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मज़ा आएगा सिर्फ अगर आपको हम जो बेसिक के ये पढ़ा रहे टॉपिक्स वो आपको अच्छे से आते होंगे। तो चलिए गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा अल्काइंस क्या होता है। अल्काइंस तो हमने जैसे अल्केन्स और अल्कीन्स को पढ़ा, उसी तरह से हम अल्काइंस को भी देखेंगे। अल्काइंस मतलब क्या, इसके ऊपर से आपको पता चल रहा होगा। कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा लिखो या ऐसा, ट्रिपल बॉन्ड कैसे, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। जो कंपाउंड ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, ये जो है ना ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है जिस कंपाउंड को, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं अल्काइंस, YNE। जो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हम आगे देखेंगे ही, फिर भी जो सफिक्स होगा, इसका जो सफिक्स होगा जो इसमें लगेगा वो होगा YNE। क्या होगा वो, YNE सफिक्स। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। सफिक्स इक्वल्स टू YNE, देख सकते हैं ना, YNE अल्काइंस। तो चलो गाइज, हमने देख लिया अल्काइंस क्या होते हैं। फिर से एक बार, कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे बोलेंगे हम अल्काइंस। क्या बोलेंगे उसे, अल्काइंस बोलेंगे। सो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे अल्काइंस। तो हमने देख लिया, अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्काइंस। अल्काइंस के जनरल फार्मूले को मैं आपको 3 से 4 प्रॉब्लम्स भी उसके करवा के दूंगा। सो केमिकल फार्मूला फॉर अल्कीन फॉलोज द जनरल फार्मूला CnH2n-2। अल्केन्स का क्या था, अल्केन्स का हमने पढ़ा था CnH2n+2, अल्कीन का हमने पढ़ा था CnH2n, और अभी अल्काइंस का पढ़ रहा है CnH2n-2। मैं आपको बताऊँ इसकी ट्रिक कैसी होगी। जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे सिर्फ इसका याद रखना है, और फिर -2 कर देना है। -2 देखो यहाँ पे +0 लिख सकते हैं हम, सही है, +0 लिख सकते हैं -2। फिर इसमें -2 करेंगे तो ये आ जाएगा -2, सही है ना, तो ये आ जाएगा -2। तो जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स हो जाएगा CnH2n-2। सो अभी हम इसके 2-3 फार्मूलेज बना के दिखाएंगे आपको, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले लेते हैं हम कार्बन कार्बन। अभी देखो यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना, अल्केन में 1 कार्बन आ सकता, अल्कीन में 1 कार्बन नहीं आ सकता, अल्काइन में भी 1 कार्बन नहीं आ सकता, समझे, 1 कार्बन नहीं आ सकता। तो इसमें आपको 2 कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो हम जनरल फॉर्मूले से कंपाउंड्स बनाना चालू कर देते हैं। सबसे पहले N=2 ले लेते, क्या ले लेते हैं, N=2। सो इससे फॉर्मूले में डालो, मैं आपको ऐसे ही कंपेयर करके दिखाता हूँ ना, C2H2 × 2 - 2। सो आ जाएगा C2H4 - 2 C2H2, सही है ना, क्या आ जाएगा C2H2। अब इसका जनरल फार्मूला बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल। कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन और बचे है, अभी ये तो होगा ना, बचा है तो फिर बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो बॉन्ड यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए यहाँ
लग जाएंगे तीन बॉन्ड। कितने बॉन्ड लग जाएंगे यार, तीन बॉन्ड लग जाएंगे। सो ये जो कंपाउंड बन गया वो हो गया अल्काइन। इसका नाम दो कार्बन मैंने आपको बताया था, वो सीरीज पढ़ाई थी पहले लेक्चर में अल्केन्स के, मिथित प्रोब्यूट पेंटेक्सेप्ट ऑफ नॉनडेक, तो उसके हिसाब से मिथ इथ से दो कार्बन के लिए इथ, तो यह जाएगा इथ ई टी एच, और हमने लास्ट इसमें देखा सफिक्स लगेगा वाई एन ई, तो यह जाएगा इथाइन। क्या आ जाएंगा इथाइन, इसका नाम आ जाएगा इथाइन। चलो इसको रब कर देते हैं, दूसरा एक आधा देखते हैं। सो देखो लेट एन इक्वल्स टू थ्री ले लो, लेट मतलब वो लेट वैसे नहीं लेना, हमें कंपाउंड फॉर्म करने है इसलिए तो हम एन की वैल्यू ले रहे हैं। लेट अभी फिर एन इक्वल्स टू थ्री ले लो, अभी डायरेक्टली करते हैं सी थ्री एच टू इंटू थ्री माइनस टू, सी थ्री एच सिक्स माइनस टू, सी थ्री एच क्या आ जाएगा यहाँ, सी थ्री एच फोर आ जाएगा, सही है। इसका कैसे होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ज़रा देखे समझिए, तीन कार्बन चार हाइड्रोजन है, सही है ना, तो चार हाइड्रोजन कैसे क्या लगेगी देखिए, एडजेसेंट कार्बन को एक एक नहीं देना है, कॉर्नर्स के कॉर्नर को, कॉर्नर्स के कार्बन को एक एक हाइड्रोजन देना है, सही है ना, कॉर्नर्स के कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दिया। अभी बचे कितने, अभी बचे, अभी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा रहे हो या फिर यहाँ लगा रहे हो, सही है ना। तो हम ट्रिपल बॉन्ड, देखो हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे इसी एक जगह पे, तो आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपको बताता हूँ। एच लग गया तो ट्रिपल बॉन्ड हम लगाएंगे इस वाले पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो ये कार्बन की जो वैलेंसी है वो कैसी होगी, सेटिस्फाइड हो गई, वो कार्बन की वैलेंसी कैसी होगी, सेटिस्फाइड। तो अभी देखो हम यहाँ फिर हाइड्रोजन, यहाँ तीन है यहाँ एक थे, इसमें आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। अभी देखो इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, तीन और एक चार, सही है ना। हाँ तो जो बचा एक दो कार्बन है वो कार्बन लग जाएंगे इस इसको, तो इसका नाम तीन कार्बन प्रॉप सफिक्स वाई एन ई, सफिक्स क्या आ जाएगा वाई एन ई, तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप प्रोपाइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन। एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप में। सो अभी हम एकदम फास्टली करेंगे, एन इक्वल्स टू फोर अभी आपको प्रैक्टिस हो गई होंगी, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहा होगा। सो अभी ले लो सी फोर एच टू इंटू फोर माइनस टू, सी फोर एच एट माइनस टू, यह आ जाएगा सी फोर एच सिक्स, क्या आ जाएगा सी फोर एच सिक्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना चालू कर देते हैं, कार्बन चार कार्बन, सही है। एक बार डिसाइड कर लो कहाँ आपको ये लगाना है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहाँ लगाएंगे, आप कहीं लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, सही है ना। तो हम फर्स्ट पोजिशन पर लगाएंगे, और अभी फिर फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया, तो अभी देखो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसे दे दिया। अब इसकी जो है वो वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड होगी, चार वैलेंसी, सही है। तो अभी बचे ये, इनमें क्या लग जाएगा, इनमें सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। अभी इसकी कार्बन की वैलेंसी चार है, तो इसे ऑब्वियसली तीन हाइड्रोजन तो लगेंगे ही, सही है ना, इसे क्या लगेगा तीन हाइड्रोजन तो ऑफकोर्सली लगेंगी ही, एच एच इसे दो लगेगी, एच एच और इसे एक ही लगेगा, इसकी भी जो है ना इसे एक लगेगा, इसे लगेगा ही नहीं मेरे हिसाब से, तो इसे लगेगा ही नहीं। सो देख लो चार, और इसकी भी चार वैलेंसी हो गई सेटिस्फाइड, इसकी भी चार हो गई और इसकी भी चार हो गई, तो देखो मैं ये हटा देता हूँ, तो ये जो हो गया इस कंपाउंड को नाम, एक बार हाइड्रोजन काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच छ, सी फोर एच सिक्स, परफेक्ट आंसर है। बस अब इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम जो आएगा वो होगा चार कार्बन मतलब ब्यूट, ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई, ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम आ जाएगा ब्यूटाइन। तो
तो हमने ये देखा। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम आप से डिस्कस करेंगे बिल्कुल जो अल्काइंस है उसके स्ट्रक्चरल फार्मूलेस को हम देखेंगे, अल्काइंस के स्ट्रक्चरल फार्मूलेस को देखेंगे। सो सबसे पहले आ जाएगा इथाइन। इथाइन क्यों आ जाएगा? क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब लगेगा तो एटलीस्ट टू कार्बन होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट टू कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि इज देयर एनी अल्काइन कंटेनिंग सिंगल कार्बन, कंटेनिंग सिंगल कार्बन। सो आपको ऐसे दे देगा, नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा। सो वो अंधश्रद्धा है, उसमें बिलीव नहीं करना। अल्काइंस और अल्कीन्स जो है वो बनने के लिए एटलीस्ट टू कार्बन होना जरूरी है, सही है? तो चलो देखते हैं। फॉर जो एग्जांपल है हमारा वो है अल्काइंस का। सो अल्काइंस मैं आपको बताता हूँ ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना सबसे आसान बात है। अल्काइन, अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सही है ना? और इथाइन, इथाइन मतलब जो है ये जो है ना, इथाइन, इथाइन मतलब टू कार्बन एटम, सही है ना? इथाइन मतलब टू कार्बन एटम। तो इथाइन अगर टू कार्बन एटम होंगे तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालने के लिए दो कार्बन निकालेंगे। ये निकाला, एक मिनट, तो अभी इथाइन निकाल लिया, सही है ना? मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि आप फॉर्मूला नाम से कैसे बना सकते। अभी ईथ हो गया, अभी वाई यानी देखो, वाई यानी सफिक्स का है, वाई यानी सफिक्स है ट्रिपल बॉन्ड का, सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड का, सही है? अभी ये सब हो गया। अभी कार्बन की जो वैलेंसी है वो कैसी है? चार। तो यहाँ जो है, यहाँ देखो, एक दो और ये तीन, यहाँ पे भी एक दो और ये तीन हो गए। तो इसे सेटिस्फाइड करने के लिए हमें एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और हम जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो उसमें कार्बन को हाइड्रोजन लगाया जाता है। तो यहाँ लगेगा एच, यहाँ भी लगेगा एच। तो देख लो आपका जो इथाइन है वो कम्प्लीटली बन चुका है, इथाइन जो है आपका कम्प्लीटली बन चुका है। इथाइन जो है वो ऐसा है, मतलब तीन कार्बन। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, सबसे पहले आपको देखना है इथ, इथ मतलब टू कार्बन, फिर वाई यानी देखना है, और फिर आपको कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करके रखना है, सही है ना? तो चलो अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड जो प्रॉब्लम वो है प्रोपाइन। प्रोपाइन सबसे पहले वर्ड नज़र में आता है प्रॉप, थ्री कार्बन, तीन कार्बन बनाइए, एक दो तीन बना लिए। अभी देखो जो सेकंड है, एक मिनट, मैं आपको सब चीज़ बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। जो सेकंड है वो है वाई एन ई। वाई एन ई का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अभी आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन एक ही जगह, दोनों जगह नहीं। तो वी विल ट्राई दिस टाइम, यहाँ लगाएंगे हम। तो यहाँ लगा दिया, सही है? तो अभी यहाँ पे लगा दिया, तो अभी कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। एक दो तीन, एक दो तीन, इनकी जो वैलेंसी है और इनके बीच में क्या लग जाएगा? सिंगल बॉन्ड। सो जो ये कार्बन है उसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई चार। इस ये जो कार्बन है इसको होना एक, तो यहाँ हम एक बॉन्ड लगाएंगे। सो बराबर है ना? तो देखो इस कार्बन की सेटिस्फाइड हो गई, इसको एक होना, तो इसके लिए हम एक लगाएंगे, और इसकी एक वैलेंसी हो गई सेटिस्फाइड, इसको तीन कार्बन और ज़रूरी है। तो इसके लिए देखो हम तीन बॉन्ड लगाएंगे, और बॉन्ड जहाँ लगाए फंक्शनल ग्रुप ने लगा तो वहाँ लगेगा हाइड्रोजन। क्या लगेगा वहाँ? हमेशा लगेगा हाइड्रोजन लगेगा वहाँ। तो देखो एच 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 एच, देखो चार कार्बन तीन हाइड्रोजन, चार कार्बन एक दो तीन, सॉरी तीन कार्बन चार हाइड्रोजन, तीन कार्बन, अरे रे रे, चार का हाइड्रोजन तीन कार्बन, सही है ना? हाँ जी हाँ। तो आपने ये देख लिया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड की तरफ, जो कि होगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन बट, बट मतलब चार कार्बन, निकालो चार कार्बन, एक दो तीन और चार, निकाला चार कार्बन।
तो चार कार्बन निकाल लिए। अभी देखो आगे की जो प्रोसेस है वो देखो, सफिक्स को देखो आप, YNE सफिक्स क्या है, YNE मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन अपने घर की खेती नहीं है, तीनों भी जगह पे लगाना, कौन से भी एक ही जगह पे लगा सकते हैं। तो देखो हम जो है इस बार पहले इसमें हमने बीच में लिया, सेकंड इसमें कॉर्नर में लिया, अभी हम लेंगे कॉर्नर में लेंगे ना। हाँ तो देखो यहाँ लेंगे 1 2 3 कॉर्नर में, नहीं हमने बीच में नहीं लिया ना, बीच में लेंगे हम, एक मिनट। तो देखो 1 2 3 ले लिया। अभी हम देखेंगे बॉन्ड वैलेंसी देखेंगे, इस कार्बन को तीन इनके बीच में लग जाएगा सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में भी लग जाएगा सिंगल बॉन्ड, लग गया। तो देखो अभी देखो वैलेंसी चेक करो, इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी हो गई कंप्लीट, इस कार्बन की भी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, बचे ये कार्बन, सही है ना, बचे ये कार्बन, तो इनको तीन वैलेंसी लगेगी, तीन। जो कार्बन की जो वैलेंसी है उसे मेंटेन करके रखना है आपको, तो यहाँ बचे जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिए। तो देखो हमने ब्यूटाइन को भी कर लिया, तो हमने बहुत ही इजी वे में इन सबको पढ़ लिया। देखो मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ दोनों के बीच में, कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। तो देखो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इथीन को भी पढ़ा, इथाइन को भी पढ़ा, प्रोपाइन को भी पढ़ा, और फिर ब्यूटाइन को भी पढ़ा, सही है ना। तो इस तरीके से पढ़ोगे आप तो आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इजी जाएगी, और वो भी इनिशियल स्टेज में अगर पढ़ोगे आप, मतलब बिफोर स्टार्टिंग दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ही ईजी जाएगा। सो इसीलिए हमने आपके लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, और हमारे अभी इस चैनल पे अपकमिंग जो लेक्चर्स रह गए वो फिजिक्स के भी रह गए और मैथ्स के भी रह गए। सो ये जो चैनल होगा वो आपको फुल फ्लेज MST CET महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और JEE के लिए प्रिपेयर करेगा, आपको बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है देखो अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलीज विद द नेम। क्या डिस्कस करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलीज विद द नेम। तो देखो फॉर जो है वो अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सो फर्स्ट है इथाइन मतलब टू कार्बन एटम बीच में ट्रिपल बॉन्ड। देखो टू कार्बन एटम बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन टू फुलफिल द वैलेंसी ऑफ कार्बन, सही है ना, टू फुलफिल द वैलेंसी ऑफ कार्बन। सो ये देख लो हमने ये देखा। अभी जो सेकंड जो है सेकंड वो देखेंगे हम सेकंड देखेंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब तीन कार्बन एटम और दो कार्बन एटम के बीच में क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्काइन्स। तो ये हो गया। अभी फिर उसके बाद है ब्यूटाइन क्यों लिखा, इसे हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। उसके नीचे वाला भी लिख देते हैं हम यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, सही है ना। अभी देखो हम आपको कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाएंगे, इसमें आपको कंपैरेटिव स्टडी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। देखो हमें नंबरिंग कैसे करना है, हमें नंबरिंग करना है कार्बन के ऊपर 1 2 3 4। यहाँ से भी कर सकते, कोई बोलेगा मैं यहाँ से करूँगा, करना भाई यहाँ से कर दो, 1 2 3 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 ब्यूटाइन क्यों लिखा है, यहाँ पे तो मेरे इस पे तो 3 आ रहा, 3 ब्यूटाइन होना था, लेकिन बच्चे वैसा नहीं होगा, सुन ले यहाँ 3 नहीं आएगा,
जब भी हम नंबरिंग देंगे, चाहे वो सिंगल बॉन्ड रहे, चाहे वो डबल बॉन्ड रहे, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड रहे, उसको उस बॉन्ड को जो है वो कम से कम नंबर आना जरूरी है, कम से कम। तो यहाँ देखो, कम से कम अगर जाएंगे तो हम यहाँ फर्स्ट आएंगा, सही है ना, इसीलिए आ जाएंगा वन ब्यूटाइन। और यहाँ देखो, अब सेकंड केस में देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सॉरी इरेज नहीं करते, हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे, सही है ना। अभी देखो सेकंड इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे, देखो मैं नंबरिंग करता हूँ 1, 2, 3 और 4, सही है। फिर से दूसरे डायरेक्शन में 1, 2, 3 और 4। अभी देखो इसमें यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 3, 2, मतलब जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन दोनों तरफ से सेकंड पे आ रही है, कम से कम नंबर लेना है ना हमें, सो दोनों की पोजीशन सेकंड नंबर पे आ रही है, इसलिए इसका नाम हो गया 2-butyne। ब्यूटाइन बट क्यों आया यहाँ, बट आया है, रुको मैं आपको एकदम से बताता हूँ बट क्यों आया यहाँ। बट आने का कारण है 4 carbon, वाई यानी बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड, और फर्स्ट यानी फर्स्ट पोजीशन, और सेकंड यानी सेकंड पोजीशन, सही है ना, सेकंड यानी सेकंड पोजीशन। तो ये हमने देखा, और ये पेंटाइन, हेक्साइन और ऑक्टाइन और डेकाइन, ये जो है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि इसमें का आपको एक भी एग्जांपल, ये जो है ना ये चार, इनके आपको एक भी एग्जांपल रिएक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलने वाले नहीं है, बिकॉज ये जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th की जो खेलती है वो सिर्फ 4 से 5 फॉर्मूलों पे खेलती है, और अल्काइंस टू मैक्स बहुत ही कम आता है। तो ये जो 5 है पेंटाइन, पेंट मतलब 5 carbon, और वाई एनी मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। इस पर ऐसे ध्यान रखो, हेक्स, 1 hex मतलब फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, 6 carbon की चेन है, और वाई एनी मतलब ट्रिपल बॉन्ड। उसी के साथ साथ 1 octane, octane मतलब 8 carbon की चेन, वाई एनी मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा है। उसी के साथ डेकाइन, डेकाइन मतलब 10 carbon की चेन है और बीच में क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो सही है। सो गाइज, हमने आज पढ़ा अल्काइंस के बारे में, अल्काइंस, फिर जनरल फार्मूले देखे, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूलों का कैसे बनता है ना वो देखे, इसलिए मैंने ये 3 जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलीज है, इसलिए मैंने इन 3 फार्मूलेज की ही आपको प्रैक्टिस दी। इन 3 फार्मूले के मैंने आपको जनरल फार्मूले से बना के दिखा, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिस्कस किए, और फिर विथ नेम्स के साथ हमने आपको ये किए। और अगर आपको इस ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछना नहीं भूले, और आपको दोस्तों के साथ ये चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो गाइज, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की जो चाहत है उसे बढ़ाएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में आपको बहुत मदद करेगा। सो गाइज, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।